क्या लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, अब 100% तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शोषण भी हुआ होगा, रेप भी होगा, वो मामला तो दब जाएगा, वो कैसे ये लोग मेडिकल रिपोर्ट में लिखेंगे। लड़की का दोस्त एक पकड़ाई है, अगर वो चिपकी ना कि बस मैम आप आ गई, आप ही का इंतजार कर रहे थे, ये वो करके इतना रोने लगी, वो भावुक पल तो हो ही जाएगा। वो जीते, उनको ये भी डर नहीं है कि हम अभी अभी जीते हैं और इतना बड़ा मामला है और हम नहीं पहुंचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ना लोग है ना लाज है ना कुछ है इन लोगों को। लेकिन श्रेया मामला जो कि औरंगाबाद के लड़की घर से निकलती है पढ़ने के नाम पे और लौटती नहीं है, उसके बाद थाने में FIR होता है, लाश जो है उनकी नहर में कहीं मिलती है, सारे मामले सामने आते हैं, SP साहब का बयान आता है कि लड़की ने आत्महत्या किया है, प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, उसके बाद बीना मान भी पहुंचती है इंसाफ के लिए और वहां पे उनकी माँ से पटकर बहुत सारी ये भी रोने और जिला विकास कितना मदद करेगी लड़की के लिए। कैसे देखती हैं मैम इस मामले को, क्योंकि मैं देखा कि वहाँ पे गई आप इंसाफ के लिए, आप भी रो रही थी फट के, कैसे इंसाफ मिलेगा? देखिए क्या हुआ, जैसे उनकी माँ सोई हुई थी और हम जाके चौकी पे बैठ गए थे, तो पीछे से मीडिया कर्मी भाई लोग थे, वो बीना मैडम आ गई, तो साउंड सुन के वो उठ गई, उठ के ऐसे आँख खोली तो उसको आँख के सामने हम बैठे दिख गए, तो बस वो जिस कदर वो चिपकी ना कि बस मैम आप आ गई, आप ही का इंतजार कर रहे थे, ये वो करके इतना रोने लगी, बहुत भावुक पल तो हो ही जाएगा किसी माँ ने, और हम भी भाई बेटी के माँ है तो वो हम वो दर्द समझ सकते हैं, तो वही बात थी। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि लोग इतने उम्मीद लगा के हमसे बैठते हैं, हम उनके उम्मीद पे कितने खड़े उतर पाएंगे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना, लेकिन फिर भी जितना हो सका उतने देर में हम मंत्री जी से मिले, हम थाना पे गए, हम SDPO से बात, तमाम लोगों से सारी चीज़ें से बात हुई और सेटिस्फैक्ट्री जवाब किसी का नहीं था कल के पहले तक। वो कहते हैं प्रेम प्रसंग, अरे भाई प्रेम प्रसंग बोलना तो पहले बंद कर दीजिए आप लोग, अगर अपराध हुआ है आप अपराध में बात कीजिए ना भाई, प्रेम प्रसंग में ये कहाँ लिखा गया है कि अपराध करके लड़की को मार काट के फेंक देना है, आप अपराध पे बात ही नहीं कर रहे हैं, आत्महत्या बोले पहले, कल जाके सारे लोगों ने मान लिया कि ये हत्या है, इसके पहले तक वो मान भी नहीं रहे थे कि हत्या है। कोई व्यक्ति को आत्महत्या करना होगा तो एक बात बताइए, वो जाके 40-50 किलोमीटर दूर जाके कूदेगी, घर पे ही टंग जाती, नस काट लेती, जहर खा लेती, कुछ कर लेती आत्महत्या, आत्महत्या करने कोई बैग लेके घर से बाहर निकलता है। लेकिन पुलिस का तो ये कहना है कि वो आत्महत्या ही है। आप नहीं कह रही है ना, वो अभी तक तब तक कह रही थी जब तक उसको सही सवाल पूछने वाले लोग नहीं मिले थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि वो साफ बता देते हैं कि प्रेम प्रसंग है और आत्महत्या है। सादे भोले भाले लोग हैं वहाँ के, कोई उनसे तगड़ा सवाल पूछने वाला व्यक्ति नहीं मिला था, जब हम लोग बैठे तो बोले ना हाँ मैडम अब हम इसको हत्या की दृष्टि से भी देख रहे हैं। तो पुलिस क्या इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश? 100% वो बिल्कुल, अगर ये आक्रोश वहाँ की लोकल जनता नहीं दिखाती, अगजनी, ये वो, रोड जाम नहीं होता, लोग सड़क में नहीं उतरते तो ये मामला खत्म हो चुका। लेकिन माता पिता सभी लोग ऐसे ऐसे कांड देख के डर गए अपनी बच्ची को स्कूल भेजने के लिए, चाहे कहिए वो भला कहिए, उस लड़की के जेब में कागज का टुकड़ा जो मिला जिसपे फोन नंबर लिखा था वो भी भला किसका कहिए, वो जो पोस्टमार्टम रूम में वो डोम नहीं होते हैं, वो डोम ने जो कागज का टुकड़े पे फोन कर दिया लड़की के मामा को कि देखिए ये निकला है, वो भला कीजिए, अदरवाइज प्रशासन तो कागज का टुकड़ा हटा देती और पता चलता लावारिस लाश है, जला के फेंक देती। और माँ बाप आज तक पर इतने सारे केसेस है ना भाई, अपने ही महिला विकास मंच में देखिए 4-5 आप लोग के सामने आया होगा, बेटी गायब है, बेटी गायब है, बेटी आज तक बेटी मिल नहीं रही है। अभी एक मुजफ्फरपुर भी ऐसे ही कांड चल रहा है, वहां आज तक बेटी नहीं मिली, तो ऐसी गायब हो जाती, लावारिस समझ के प्रशासन जला देता, खबर भी नहीं करता, बेटी गायब हो जाती है, लोग कलपते रहते हैं। ये तो कम से कम भला कीजिए कि पता चल गया कि बेटी नहीं रही, नहीं तो माँ तो इस उम्मीद में बैठी रहती कि मेरी बेटी कहीं भाग गई, किसी के साथ चली गई, ये कि अब प्रशासन के लिए बड़ा आसान होता कि प्रेम प्रसंग भाग गई, बस बात खत्म, और लड़की मर गई। तो आज जितनी भी लड़कियां बिहार से गायब हैं तो अब ये तो अंदेशा हो गया, आइदर उसमें से कुछ भागी होंगी और कुछ मर कट के फेंका गई होंगी और इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा अभी देखिएगा तो इलेक्शन का टाइम था, अभी कौन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा राजा राम जी थे, तो राजा राम जी तो जीते हैं और उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह जी तो हार गए, लेकिन पवन सिंह पोस्ट भी किए हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी के वर्तमान जो सांसद है अभी तक कोई नेतागण वहां नहीं पहुंचे, क्या कहिएगा? हाँ देखिए नेतागण नहीं, 13 कैंडिडेट खड़े हुए थे लोकसभा चुनाव में, 13 में एक भी अभी तक वहां नहीं पहुंचे,
तो ये चीज तो बहुत दुर्भाग्य की बात। वोट के लिए तो सभी दुआरी दुआरी बोल रहे थे कि हम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। 13 में एक और जो जीता वो तो बिल्कुल ही ना पहुंचा। हाँ। उनका तो पूरा परम धर्म कर्तव्य था। जो हारे वो तो 2 मिनट मान लीजिए मायूसी में नहीं पहुंचे कि छोड़ो अब मेरे को वहां से क्या लेना देना। लेकिन जो जीते उनको ये भी डर नहीं है कि हम अभी अभी जीते हैं और इतना बड़ा मामला है और हम नहीं पहुंचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ना लोग है ना लाज है ना कुछ है इन लोगों को। लेकिन पवन सिंह पे अभी बचिया जो है नारा लगा रही है, बता रही है कि पवन सिंह हमारा सपोर्ट करेंगे आएंगे। पवन सिंह पोस्ट भी है उन लोगों की, पोस्ट भी हुआ है। 22 तारीख को पवन आने वाले भी हैं ऐसा सोशल मीडिया से ही मुझे देखा। आपसे बात कुछ हुआ पवन जी से कि आएंगे कि नहीं? मेरी बात उनसे नहीं हुई है। अच्छा, और क्या कहिएगा, बहुत सारी महिला विकास मंच से महिला टीम से चलाती है कि हम सबको सेवा देंगे गरीबों की मदद करेंगे, तो कितने लोग वहां पे पहुंचे इंसाफ दिलाने के लिए, चाहे वहां पे अपना रहता है कि परिवारजनों से मिलने के लिए, इससे थोड़ा हिम्मत बढ़ता है। हिम्मत तो बढ़ता ही है, वहां के लोकल लोग बहुत जा रहे हैं, लोकल सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन ऐसे नेता मंत्री में संतोष जी दिखे मुझे, संतोष जी गए थे और फिर नीरज बबलू वो भी दिखे हैं, ये तमाम लोग गए हैं। DMSP आ ही गए, अपना कहानी सुना के चली गए, बाल खा लिया ये खा लिया वो खा लिया करके। अब खाना पूर्ति उन लोगों ने कर दी है DMSP ने, अब कार्रवाई जो है अब मेरे ख्याल से आज से शुरू हो रही होगी। क्या लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, अब 100% तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जो कुकर्म वाला था कि जो उसका शोषण भी हुआ होगा रेप भी होगा वो मामला तो दब जाएगा। वो कैसे ये लोग मेडिकल रिपोर्ट में लिखेंगे? लड़की का दोस्त एक पकड़ाई है और भी कई लोग पकड़ाए मैंने। हाँ, एक तो क्या लगता है वो लोग नहीं, एक ये भी अंदेशा हो रहा है क्योंकि देखिए छोटे जो टीनेजर बच्चे हैं ना, ये रोहित और ऋषिकेश ये सब जो उसके दोस्त थे जिससे उसकी बातें होती थी, ये लोग इतना बड़ा कुकर्म नहीं कर सकते हैं। ये किसी बड़े अपराध का स्वरूप है। मान लीजिए वो पार्लर वाली जो लेडी है उनका कोई ऐसा लिंक रहा होगा जो लड़कियां सप्लाई करती होंगी या कुछ कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इसलिए पुलिस को बहुत बारीकी से जांच करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और कहेंगे मैम, महिला को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत सारा अभी पटना में देखिएगा या और जगह बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब कि खुल गया संस्था, तो कौन कौन लोग वहां पे पहुंचा है मैम कि या दिखावा के लिए सब लोग खोल के बैठे? देखिए एक बात बताइए, संस्था खुल जाना और संस्था में समाज सेवी पैदा हो जाना, ये दोनों दो चीजें होती हैं। संस्था खुली है, अब आप मुझसे जब ऐसा सवाल पूछे तो मैं इसको यही बोलूंगी कि मेरा एक सपना था कि मैं महिलाओं को सशक्त बनाऊं, उनके दर्द को मैं सुनूं और देखूं। तो जितने भी संस्था अभी आपको नजर आ रहे हैं पटना में, उसमें से मैक्सिमम, मैं पूरा नहीं कह रही हूं, मैक्सिमम आपको वो महिलाएं मिलेंगी जो मेरे पास से होके गुजरी हैं। तो ये तो सशक्त हो गई ना वो लोग, अब क्या आप क्या चाहते हो कि हम उनको अपने पिछलग्गू बना के रखें? तो सशक्त हो गई। आप पैसा लेके या पैसा बिना लिए वो लोग अगर किसी को मदद भी कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनसे भी तो 4 महिलाओं को मदद मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है। तो आप इसको जब ऐसे देखिएगा तो आपको दुख नहीं होगा। और रही बात 4 गए तो 4 आएंगे, 4 गए तो हमारा तो काम ही है, आइए दूसरे को मदद करने के लिए आगे बढ़िए। तो ये तमाम अभी वो लोग उतनी परिपक्व नहीं हुई है इसलिए वो लोग वहां नहीं पहुंची हैं। परिपक्व हो जाएंगी, समाज सेवा वाला भाव आ जाएगा तो वो लोग भी अपने उम्र में करेंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखे होंगे कि श्रेया का किस तरीके से मतलब कि उनकी माँ, उनके घर वाले, उनके पिताजी मतलब रो रहे हैं, इंसाफ की मदद मांग रहे हैं, अभी तक कोई नेता नहीं पहुंचा। पवन सिंह की मांग हो रही है कि पवन जी जाएंगे, तो आप लोग हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? सिरा हत्या है या नहीं है, किस तरीके से आप लोग सोचते हैं? अगर काराकाट से ये मतलब कि देख रहे हैं तो अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।